हेलो एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरह से हमारे कीबोर्ड केशियो सीडी के 6300 एंड 7300 आईएन में से यूज़र रिदम को डिलीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी यूज़र रिदम को डिलीट करने के लिए आपको उस रिदम को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और या फिर नई रिदम के साथ, क्योंकि इस कीबोर्ड में हमें यूज़र रिदम डायरेक्टली डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जाना है यूज़र रिदम में। यूज़र रिदम में जाने के बाद हमें उस नंबर को सिलेक्ट करना है जिस रिदम को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने सिलेक्ट किया ऑक्टापैड बीट 01। उसके बाद आपको कोई भी रैंडम रिदम लेनी है, जो भी आप नई रिदम इस रिदम की जगह सेव करना चाहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर इंडियन कैटेगरी में से मैंने इस रिदम को लिया। इस रिदम को लेने के बाद हमें जाना है रिदम एडिटर के मोड में। रिदम एडिटर का मोड हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि जब तक आप किसी रिदम को रिदम एडिटर में एडिट नहीं करेंगे तब तक आप उसे यूज़र रिदम में सेव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसमें एंटर करने के बाद आप यहाँ से कुछ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे ही आप अपनी रिदम एडिट कर लें उसके बाद आपको यहाँ से एग्ज़िट का बटन प्रेस करना है। एग्ज़िट का बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे 1 से लेकर 10 तक। डैट मीन्स आप इस रिदम को यूज़र रिदम में कौन सी रिदम के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हम इसे फर्स्ट पर ही रखेंगे और हमें फर्स्ट रिदम को ही डिलीट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको एग्ज़िट एंड येस का बटन प्रेस करना है। तो अब चलते हैं हमारी यूज़र रिदम पर एंड सिलेक्ट करते हैं नंबर 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पहले रिदम देखी थी वो थी ऑक्टापैड बीट, एंड उसके बाद जो हमने दूसरी रिदम सिलेक्ट की थी उसे एडिट किया, एंड जैसे ही हमने उसे नंबर 1 पर सेव किया तो हमारी जो पहले वाली रिदम थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप काफ़ी आसानी से अपने कीबोर्ड में यूज़र रिदम को डिलीट या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड इसी के साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पर @acousticmusiclibrary। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।